हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रेनेसांस। लास्ट सेशन में हमने इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे रेनेसांस का इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस। जो रेनेसांस है, रेनेसांस से ही मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न ईरा है, इसका जन्म होता है। अगर हम अपने टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं, एशियन पीरियड, मेडिवल एजेस, आफ्टर दैट रेनेसांस, रेनेसांस से जन्म होता है मॉडर्न टाइम का। जो भी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को जन्म दिया, जिन्होंने जो हमारे समाज में जो भी ईवल्स थे इनको ख़त्म करने का काम किया, जिसमें ह्यूमनिज्म है इसको इम्पोर्टेंस दी, नेचर को इम्पोर्टेंस दी, जिसमें ये बताया गया अर्थली जॉयस हैं इनको इंजॉय किया जाए। आफ्टर दैट मरने के बाद हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा, हमको अपनी लाइफ को इस चीज़ में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो रिलीजियस की इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर ह्यूमन में फेथ किसने दिखाया? रेनेसांस ने दिखाया। तो पहले हम करते हैं जो रेनेसांस है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द रेनेसांस। जो रेनेसांस है इसका इम्पैक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पर रेनेसांस का बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है। जो मेन पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को सेपरेट कर दिया। पहले क्या था, चर्च की अथॉरिटी थी, जो पोप थे वो क्या होते थे, वो ही स्टेट को रन करते थे। उस टाइम नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, वहाँ पर रिलीजन ही सुप्रीम थे, वो ही सभी काम करते थे, और जो किंग होता था वो उसके अंडर ही काम करता था। तो रिलीजियस के जो गुरु हैं, पोप हैं, वो सबसे सुप्रीम थे। तो इस तरह पोप की अथॉरिटी को ख़त्म कर पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को अलग करने का काम भी रेनेसांस टाइम पीरियड में हुआ था। तो जो मेन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं लाइक दांते, मैर्सिगिलो, मैकेवली, इन्होंने क्या कहा कि सॉवरेन शुड बी सुप्रीम, मीनिंग जो एक किंग है वो क्या होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, वो सुप्रीम होना चाहिए, उसके ऊपर पोप का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नॉन रिलीजियस मैटर हैं, जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, इसमें सॉवरेन की अपनी डिस्क्रिशन होनी चाहिए, अपनी मर्जी से वो डिसीजन ले। तो सॉवरेन ही सबसे सुप्रीम होता है इसमें रिलीजियस मैटर के। जो हमारे हेड हैं, पोप हैं, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिकल मैटर्स, तो इनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो जो मैकेवली हैं, मैकेवली ने अपने बुक द प्रिंस में नेशन स्टेट है इस कंसेप्ट को जन्म दिया कि नेशन स्टेट होना चाहिए। उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया और एक नेशन बनाने की बात की है। तो पहले जो सिटी स्टेट थे, सिटी स्टेट से नेशन स्टेट की इमरजेंस है मैकेवली से ही होती है। इस तरह पॉलिटिक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, रेनेसांस के थ्रू ही नेशन स्टेट्स हैं जिसमें स्टेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। जो स्टेट के हेड हैं वो सॉवरेन बन चुके हैं, डेमोक्रेसी ऑल्दो प्रिवेल कर रही है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक हैं, पीपल हैं, इनके हाथों में सभी पावर्स हैं। पहले लोग क्या थे, वो रिलीजन के अंडर थे, अब रिलीजन के अंडर नहीं है। सुपरस्टिशंस को ख़त्म कर पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में नेशन को ही सुप्रीम बनाया गया है। नंबर टू, इम्पैक्ट ऑन साइंस। तो आज की जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस का जन्म कहाँ से होता है, रेनेसांस से ही होता है। तो साइंस पर किसका इम्पैक्ट पड़ता है, रेनेसांस का पड़ता है। तो इसके लिए जो कॉपरनिकस हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन 1473 से लेकर 1943 तक रहते हैं। 1500 में एक इन्वेंशन की इन्होंने, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के थ्रू ये फाइंड आउट किया कि जो अर्थ है,
अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, एंड ये प्लैनेट क्या करता है, सन के राउंड घूमती है। तो इस तरह इन्होंने जो सेकंड सेंचुरी में पहले से थ्योरी चल रही थी कि अर्थ सेंटर है, इसको डिनाई कर दिया। तो इनकी इन्वेंशन सन रैदर देन द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जब इन्होंने ये बात कही, क्योंकि ये बात किसके ऊपर बेस थी, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर बेस थी। जो क्या करती थी, जो क्लासिकल थ्योरीज थी इनके ऊपर ब्लाइंड फेथ को डिनाई कर रही थी। तो जे साइंटिफिक मेथड में बिलीव कर रहे थे, जो क्या था, बाइबल के अंगेज था, पोप की अथॉरिटी के अंगेज था। इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो कॉपरनिक्स है, इसकी जो भी इन्वेंशंस हैं, इनको आगे प्रोपोगेट नहीं किया जाएगा। इस तरह जो जे कह रहे हैं कि अर्थ एक राउंड है एंड जे सन के राउंड घूम रही है, इसको पोप है, चर्च की अथॉरिटी है, जे डिनाई कर रही थी, लेकिन कॉपरनिक्स अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे थे। इस तरह फर्स्ट टाइम क्या होता है, जो भी रिलीजन था, रिलीजन में जो कुछ भी कहा गया, वो क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉपरनिक्स ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात बताते हैं, वो कहते हैं जो कुछ भी है, ये सब कुछ डिवाइन नहीं है, ये नेचर है, नेचर एक सिस्टमैटिक वे में रन हो रही है, तो सब कुछ नेचर के थ्रू है। तो अब क्या होता है, हर एक धर्म में जो धर्म के अथॉरिटी होती है, धर्म गुरु होते हैं, वो सुपरस्टिशंस में लोगों को फंसाते हैं। अगर वो सुपरस्टिशंस में रहेंगे तो इसका बेनिफिट उनको ही होगा। क्या मीनिंग, मीनिंग वो अपनी अथॉरिटी को बचाए रखेंगे, लोग उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर हमारे यहाँ भी कुछ भी होता है, हम हर एक को रिलीजन से ही रिलेट करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। हर एक धर्म में क्या माना जाता है कि नेचर डिवाइन है, वो सबसे सुप्रीम है। लेकिन रेनेसांस टाइम पीरियड में क्या होता है, इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। जे कहा जाता है जे सब कुछ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, जे सब कुछ क्या है, नेचर के थ्रू ही रन होता है। एंड इसको बाद में जे डैनो बुर्नो है, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब कॉपरनिक की स्टेटमेंट को वो सपोर्ट करते हैं, तो ये चर्च की अथॉरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक था, इसलिए उनको जिंदा ही जला दिया गया, क्योंकि उन्होंने कॉपरनिक्स को सपोर्ट किया था। इस तरह उनकी बात पर कोई भी बिलीव नहीं करता है। एंड जो कॉपरनिक्स ने कहा कि अर्थ राउंड है, और राउंड होने की वजह से जिस सन के आले दुआले घूम रही है, ये खुद रोटेट करती है, इसको बाद में गलीलियो हैं उन्होंने ट्रू प्रूफ किया। जब उन्होंने टेलीस्कोप एंड केपलर है, इसको इन्वेंट किया, इन्वेंट करने के बाद टेलीस्कोप के थ्रू इन्होंने लोगों को दिखाया सन है, सन के आले दुआले जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, और अर्थ भी हमारे राउंड है। इस तरह गलीलियो हैं वो सब्सक्राइब करते हैं कॉपरनिक्स की थ्योरी, जो इन्वेंशन लाती है टेलीस्कोप की, केपलर की, जिस वजह से यूनिवर्स है, यूनिवर्स को समझने की साइंटिफिक आउटलुक है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसी तरह साइंस के फील्ड में भी और ज़्यादा डिवेलपमेंट होती है, डिवेलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों में भी जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो जाती है। एंड इसमें जो ग्रेविटेशन लॉ है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, जो न्यूटन है, जब वो ग्रेविटेशनल लॉ को फॉर्मुलेट करते हैं, वो ये कहते हैं जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो कुछ भी है, सब कुछ अर्थ पर फॉल करता है। तो जो चर्च की अथॉरिटी थी, पोप थे, वो क्या कहते थे कि जी सब कुछ मैजिक है, जी सब कुछ रिलीजन है, जिस वजह से अर्थ पर सब कुछ फॉल करता है। इस तरह चर्च की अथॉरिटी है उसको दोबारा से चैलेंज किया जाता है, एंड इससे एस्ट्रोनॉमी है वो भी आगे डिवेल्प होती है, साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ऑब्जर्वेशन की, कैलकुलेशन की,
दोबारा से लॉजिकल रीजनिंग है, इसकी डिवेलपमेंट होती है, अब सब कुछ लॉजिकल चलने लगा। अब जी कहने लगती हैं कि जो कुछ भी इस अर्थ में हो रहा है वो सब कुछ क्या है, नेचर का ऑर्गेनाइज्ड लॉ है, जी कोई रिलीजन नहीं है, इसीलिए लोगों को सुपरस्टिशन है उसको ख़त्म करने की जी बात करते हैं। तो रेनेसांस का जन्म होता है, जी मूवमेंट है, जी मूवमेंट साइंस को ज़्यादा डिवेल्प कर देती है। एंड इसके बाद डीप स्टडी ऑफ मेडिसिन है, सर्जरी है, जी स्टार्ट हो जाती है, जिससे अब लोगों को ठीक करने के लिए रिलीजन चमत्कार का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि मेडिसिन से ठीक किया जाने लगा। और इसी तरह आगे भी प्रोग्रेस होती है इन मिनरोलॉजी, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, जी सब कुछ इन्वेंट होता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, जी स्टार्ट हो जाती है। तो मॉडर्न साइंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि मॉडर्न टाइम में हम मून पर भी जा चुके हैं। तो मॉडर्न साइंस का स्टार्टिंग किससे होती है, रेनेसांस से ही होती है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड लिटरेचर, एंड आर्ट एंड लिटरेचर पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो आर्ट एंड लिटरेचर है, ये क्या करता था, आर्ट एंड लिटरेचर ने रिलीजन से और भी ज़्यादा दूर कर दिया। इट अकोमोडेट द फीलिंग्स ऑफ द पब्लिक, जो नेचर की इमोशनल फीलिंग्स हैं वो सब फीलिंग आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस की जाने लगी। तो आर्ट ने क्या किया, इट एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन लाइफ एंड नेचर। तो एक स्मूथ क्लोजनेस है, लिंक है नेचर का लाइफ के साथ, उसको एक्सप्रेस किया गया। तो इसके लिए पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, म्यूजिक है, इसको इन्वेंट किया गया जिससे लोगों में खुशी की फीलिंग हो सके। पेंटिंग है, पेंटिंग के थ्रू इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाने लगा। अब पेंटिंग है, रिलीजियस मैटर्स की पेंटिंग नहीं थी, पेंटिंग किसकी थी, मदरहुड की बनाई गई थी, इमोशंस की, नेचर की पेंटिंग का काम स्टार्ट होता है। आर्किटेक्चर है, इसमें ग्रीक, रोमन, अरबियन, तो इन सब कंट्रीज़ का जो आर्किटेक्चर है, मिक्सचर है, इसको स्टार्ट किया जाता है। स्कल्पचर, जिसमें अब जो मूर्तियां हैं वो अब रिलीजियस गुरु हैं, जीसस एंड मैरी की ना बनाकर अब जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनकी बनानी स्टार्ट कर दी। म्यूजिक, जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने क्या किया, चर्च में म्यूजिक को इन्वेंट कर दिया, उन्होंने खुद भी म्यूजिक को कंपाइल किया। उन्होंने कहा म्यूजिक से रिलीजन को कंपाइल करने से, मिक्स करने से रिलीजन की इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। बाद में मार्टिन लूथर है, इन्होंने ही रिफॉर्मेशन को जन्म दिया था। तो म्यूजिक को जो इन्वेंट करते हैं इन द चर्च, इस तरह आर्ट है, आर्ट ह्यूमन लाइफ को रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। लाइक दिस लिटरेचर है, लिटरेचर की भी अलग ही इम्पोर्टेंस थी, जिन्होंने पूरी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, जिससे ही रेनेसांस टाइम पीरियड में स्प्रिट ऑफ रेनेसांस को और भी ज़्यादा तेज कर दिया। तो जो लिटरेचर है अब नेटिव लैंग्वेज में भी लिखा जाने लगा। पहले क्या था, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज है, इसमें ही होता था। अब इसके बाद फ्रेंच, जर्मनी, इंग्लिश, जो भी नेटिव लैंग्वेज थी, इसमें भी लिटरेचर को रिटन फॉर्म में लिखा जाने लगा। उसके बाद जो लिटरेचर था थीमलेस नहीं था, लिटरेचर का थीम भी था। थीम क्या था, ह्यूमन लाइफ, नेचर, ह्यूमनिज्म है, इस थीम को लेकर ही प्रोज फॉर्म में प्ले हैं उसको लिखे जाते थे। उसी तरह पोइम्स हैं, इसको इन्वेंट किया जाने लगा। तो इस तरह लिटरेचर है, लिटरेचर क्या करने लगा, हमारी ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमनिज्म की हर एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करने लग जाता है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। जो रेनेसांस था, रेनेसांस से क्या होता है, कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है, फ्यूडलिज्म है जी ख़त्म हो जाता है। सो कैपिटलिज्म अमर्स बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज, क्योंकि साइंस की वजह से मिनरोलॉजी है, इसमें इन्वेंशंस होती हैं, डिवेलपमेंट होती है,
एंड इसी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी होनी स्टार्ट हो जाती है। मेटल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन मशीनरी, तो ट्रेड एस्पेक्ट है वो स्टार्ट होता है, नेशन स्टेट बननी स्टार्ट होगी। हर एक नेशन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अर्न करना चाहता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहता था, वो कहते थे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इसीलिए तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ज़्यादा डिवेल्प हो पाई हैं, तो वहाँ पर रेनेसांस हैं बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से इकोनॉमिक बेसिस पर इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती हैं, डिवेलपमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, वो गोल्ड को अकोमुलेट करने लग जाते हैं, नेशन स्टेट हैं जिस सब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे वहाँ के लोग हैं उभर के सामने आते हैं। इस तरह जो लेबर क्लास थी अब वो भी पुअर क्लास नहीं रही, वो भी मिडिल क्लास बन जाती है। एंड ये सब कुछ क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड किया जाता है। इसीलिए तो जो ट्रेड सिटीज हैं वो भी बनाई जाने लगी, रोम में, इटली में ये क्या होती हैं, ट्रेड सिटीज बनाई जाती हैं, जैसे फ्लोरेंस है, वीनस है, इसमें ट्रेड सिटीज बन रही है, जिस वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी में डिवेलपमेंट होती है। लास्ट वन इज इंटेक्चुअल इम्पैक्ट। इसका इंटेक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, मीन न्यू क्वेस्ट है, नया जानने की कोशिश है वो की जाने लगी थी, तो क्वेस्ट टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, इसी वजह से तो जो मॉडर्न साइंस है इसका जन्म होता है। तो इसीलिए जो ट्रेड को डिवेलप करना था, इसलिए न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होती हैं, अमेरिका है, अमेरिका को डिस्कवर किया जाता है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस होती हैं, जो साइंस में इन्वेंशंस हुई हैं इसकी वजह इंटेक्चुअल स्पिरिट थी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी, जो नई चीज़ों को इन्वेंट करना चाहती थी। एंड इसी वजह से शिप बिल्डिंग है वो स्टार्ट होती है, अब सी रूट से ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, आर्मामेंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आर्मामेंट की वजह से ही कॉलोनियलिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज ने, इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को कॉलोनी बना लिया, आर्मामेंट इनके पास आ गए, सी रूट इनका डिवेल्प हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड इन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो इसीलिए अदर कंट्रीज को कॉलोनी बना लिया। इंडिया भी इनकी एक कॉलोनी थी, जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं उसके बाद हमारी डिवेलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। इस तरह जो रेनेसांस है, रेनेसांस जब यूरोप में आता है तो इन्होंने इसकी इकोनॉमी को अच्छे से डिवेल्प कर दिया, पॉलिटिकली सोशली सब लोगों को डिवेल्प कर दिया, इनलाइटमेंट का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, रिफॉर्मेशन होनी है स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह रेनेसांस है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जो जो कल्चरल मूवमेंट थी जी सिर्फ कल्चर तक रिलेटेड ना होकर इसने पॉलिटिकल मैटर्स या इनको भी इम्पैक्ट किया, मॉडर्न साइंस को डिवेल्प किया, आर्ट लिटरेचर को डिवेल्प किया, लिबर्टी के लिए आवाज़ उठाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसकी भी डिमांड की। तो जो रेनेसांस है इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द रेनेसांस, फर्स्ट वन इज डिवेल्प अ बेटर एंड प्रोग्रेसिव आउटलुक ऑफ द सोसाइटी एंड स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म। अब क्या किया, इस वजह से ह्यूमनिज्म की स्पिरिट है उसको इनकरेज किया गया, प्रोग्रेसिव आउटलुक थी, अब जो कुछ भी था सब कुछ लॉजिकल चल रहा था, अब हम जो कन्वेंशनल वे थे, जो कुछ हमको रिलीजन कह रहा था हम वो ही नहीं कर रहे थे, लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो गई थी। और ग्रेट ब्लो टू एज ओल्ड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, जो पुराने टाइम से रिलीजियस बिलीफ्स थे, प्रैक्टिस थे, इनको ख़त्म करने के लिए रेनेसांस ने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नंबर थर्ड, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन इन एनी वे, आप किसी भी वे से अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इट मीन्स क्या हो गया, अगर आप आर्ट कल्चर म्यूजिक के थ्रू अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करना चाहते हो कर सकते हो, आपको फ्रीडम दी गई है। साइंटिफिक लॉजिकल प्रोग्रेसिव आउटलुक है इसका जन्म होता है, इन्वेंशंस होती हैं, प्रिंटिंग प्रेस होती है जिससे जो कुछ भी इन्वेंट किया जाता है आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये सब इन्वेंशंस क्या करती हैं, लोगों को साइंटिफिक आउटलुक देने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, अब रिलीजियस मैटर हैं अलग हो जाते हैं, पॉलिटिकल मैटर अलग हो जाते हैं, चर्च एंड स्टेट हैं ये दोनों ही अलग हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज अडोरेशन ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी को इंजॉय किया जाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा नेचर ही है जो हम सबके दुख तकलीफ है इसको दूर कर सकती है, तो अब लोग नेचर से ज़्यादा जुड़ने लगे, ना कि रिलीजियस मैटर में रिलीजन से ज़्यादा जुड़े थे। एंड लास्ट वन इज रेनेसांस प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द नेचर, मीनिंग आने वाले फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन का काम कौन करता है, रेनेसांस करता है। रेनेसांस ने ही तो सब कुछ डिवेल्प किया है। तो ये होगी इंपॉर्टेंस ऑफ रेनेसांस, जिसमें हमने इसके मीनिंग से लेकर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपैक्ट किए एंड इसकी सिग्निफिकेंस की। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।